पीएम मोदी ने फिर बहाए घड़ियाली आंसू। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। कोरोना पर नाकामी छुपाने के लिए फिर भावुकता का नाटक किया। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो बॉलीवुड के सबसे सफल एक्टर माने जाते, क्योंकि एक्टिंग करने में वो सबसे अव्वल हैं। आज फिर उन्होंने कोरोना पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाए। वो भावुक होते नजर आए और उन लोगों को सांत्वना देने की कोशिश करते नजर आए जिन्होंने अपनी जिंदगी इस कोरोना महामारी में खो दी है। अव्यवस्था और बिना इलाज के जिन लोगों ने दम तोड़ दिया है, प्रधानमंत्री ने सिर्फ उनके प्रति सांत्वना जाहिर कर अपनी इतिश्री कर ली। और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता सकते हैं कि क्यों इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? इन लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि बदइंतजामी से हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार के पास पूरा एक साल था कि वो बेहतर अस्पताल बनाती, ऑक्सीजन प्लांट लगाती, दवाइयां बनाती और कई तरह के ऐसे इंतजाम करती कि महामारी में लोगों की मदद हो सकती। लेकिन बीते एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, लाशों के ढेर पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और कुंभ कराए, रैलियां करी और तमाम तरह के ऐसे आयोजन किए जिससे कोरोना का विस्फोट हुआ। ऐसी गलतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री और उनकी सरकार ने की है, जिसकी वजह से आज लाखों लोग अपनी जिंदगी खो रहे हैं और लोग अपनों के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, ऑक्सीजन की मांग करते हुए गुहार लगा रहे हैं। ये नाकामी मोदी सरकार की है और इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना ही चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाने में माहिर हैं। वो कैमरे के सामने आते हैं, कैमरा उनके चेहरे पर जूम करता है और वो अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया, लेकिन उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि जैसे उन्हें लाखों लोगों की मौत का बहुत ज्यादा दुख है। अगर उन्हें दुख होता तो वो 20,000 करोड़ रुपए लगाकर अपना महल नहीं बना रहे होते, और वो भी जब तब दुनिया में, देश में हमारे हजारों लाखों लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। अगर उन्हें दुख होता तो वो ऑक्सीजन प्लांट लगाते, अगर उन्हें दुख होता तो वो बेहतर अस्पताल बनाते, और अगर उन्हें दुख होता तो वो मेडिकल स्टाफ को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराते। लेकिन उन्हें दुख नहीं है, वो लाशों के ढेर पर राजनीति करने में माहिर हैं और ये उनके घड़ियाली आंसू फिर से साबित करते हैं।
ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश को चला रहे हैं जिन्हें देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंसू बहाने की जगह, दिखावा करने की जगह, ढोंग करने की जगह देश की जनता के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।